बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा में 50 बैग्स आटे के हम लेकर आए हैं। इसी मदरसे को हमने डोनेट करने हैं। ये जो 50 बैग्स की डोनेशन हुई है ब्रदर एंड सिस्टर फ्राम मेडिनेट बैग सर उनकी तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। यहाँ पर बहुत सी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 350 प्लस बच्चे हैं। इसमें मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर रिहाइश रखी हुई है। यहाँ पर 3 टाइम का खाना भी बनता है। इसमें मुसाफिर बच्चे भी शामिल हैं, इसमें यतीम बच्चे भी शामिल हैं, मस्कीन और बस्ती के आसपास के गरीब गुरबातुलबा भी यहाँ पर पढ़ते हैं। अल्लाह पाक इन बच्चों को कामयाब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रॉपर एक किचन बना हुआ है। बस्ती वालों के तामन से सब थोड़ा बहुत तामन करके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता रहता है। मेरा यहाँ पर कल विज़िट हुआ, मैंने देखा यहाँ पर आटे की कमी थी, तो मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर एंड सिस्टर फ्राम मेडिनेट बैक्सर उनकी तरफ से माशाल्लाह 50 बैग्स आटे का इंतज़ाम हुआ है, जो कि माशाल्लाह बहुत से दिनों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक आपकी कोशिश कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा है यहाँ पर, मुसाफिर तुलबा भी शामिल हैं। यहाँ पर खाना बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इनकी दुआओं का हिस्सा रहेंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिश कबूल फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने तुलबा सर यहाँ पर पढ़ते हैं? माशाल्लाह 300 से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ। अच्छा, 3 वक्त का खाना पकता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। अब जैसे इन भाइयों ने आटा दिया है, ऐसे अहले खैर हजरात आते हैं यहाँ, अल्लाह ताला उनको दे रहा है। हम दुआ करते हैं उनके लिए, तो ये इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला के नाम पर दे रहे हैं, उनके अल्लाह पाक माल रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये सारे दिन कुरान पाक पढ़ते हैं और साथ साथ हमने इस मदरसे में दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया। माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी बनेंगे। यहाँ मुकम्मल दर्स निज़ामी कोर्स और इसके साथ दुनियावी तालीम मिडल तक, मैट्रिक तक भी ले जाते हैं, इस साल मिडल तक हैं। अच्छा। तो ये सारा दिन बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे, यकीनन इनके दिलों से जो दुआ निकलेगी इन हजरात के लिए वो कबूलियत का दर्जा रखेगी इंशाल्लाह। हम मजीद दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके माल रिस्क में बरकतें अता फरमाए, इनकी जान ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। माशाल्लाह ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि प्यारे महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तालिबे इल्म कुरान पढ़ने वाले ऐसी बरकतों वाले हैं कि फरिश्ते इनके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन बच्चों के जबान से जो दुआ निकलेगी यकीनन वो कबूलियत का दर्जा रखे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सब हजरात को जिन बहन भाइयों ने ये अतिया दिया है कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इवन के सुबह कुक वाले जो भाई हैं जो खाना बनाते हैं बता रहे थे कि आज का जो आटा है मदरसे में वो ख़त्म हो गया था, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से इंतज़ाम हो गया है। बहुत मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह यहाँ से उठा के जो इन्होंने रूम बनाया हुआ है वहाँ पर ये स्टॉक करते हैं। आने वाले बच्चों को कामयाबी अता फरमा, ये भाई साहब हैं जो यहाँ पर खाना बनाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें। तो आज अभी रोटी बनानी है जी। तो इसलिए आटा ले रहे हैं, चले ले जाएं जी। तो आज की रोटी का जो आटा है ये माशाल्लाह लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आटा एक हाथ से आया है माशाल्लाह, दूसरे हाथ से किचन में बनाया जा रहा है। जो किचन है आइए वो देखते हैं। ये तंदूर है, अभी इस तंदूर में सावन बनाया जा रहा है। जो आज हम आटा लेकर आए थे, आटे के बैग जहाँ पर आए हैं, अभी इंशाल्लाह आटा बनाया जाएगा। ये आग को तेज करने के लिए अगर इस मदरसे में चावलों की देगें तकसीम की जाए तो इस मदरसे में कितनी देगें लग जाएंगी? जितनी तादाद है इस एतबार से कम अज़ कम 4 देगें तो ज़रूरी है। 4 देगें जी जी। तो अगर यहाँ पर चावल बनाए तो 4 देगें चावलों की जो है वो जाकर पूरी होती हैं। 4 देगों से तमाम बच्चे एक टाइम का जो खाना है पेट भर के खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप सब हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।